रेप क्या रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? क्या स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? यस होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है, होता है। आपकी हंसी इस बात पे इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल बुधवार को पास हो गए। इन तीनों ही बिलों पर चर्चा के दौरान काफी बहस हुई। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर चर्चा के दौरान कुछ मर्दों के साथ होने वाले मुद्दों को भी उठाया। जब उन्होंने ये बात कही तो कुछ सदस्य सदन में मुस्कुराने लगे, जिस पर ओवैसी ने कहा कि शायद आपको मालूम नहीं है, दरअसल जिन 3 बिलों को पास किया गया है उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद इन्हें ध्वनिमत से मंजूरी मिली है। ये तीनों बिल IPC 1860, CRPC 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह पर लाए गए हैं। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि रेप क्या सिर्फ महिलाओं के साथ होता है? क्या मर्दों का रेप नहीं होता? बिल में इस पर कोई प्रावधान नहीं है। क्या मर्दों का पीछा नहीं किया जाता है? ओवैसी के ऐसा कहने पर कुछ सदस्य हंसने लगे। इस पर ओवैसी ने कहा कि आप हंस रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, ऐसा होता है। आपकी हंसी ये बता रही है कि आप जानते हैं कि किसका हुआ है। ओवैसी ने कहा कि जस्टिस JS वर्मा ने भी माना है कि ये बिल जेंडर न्यूट्रल बनना चाहिए। अच्छा रेप सर, रेप क्या रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस JS वर्मा सर, जस्टिस JS वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। ओवैसी ने आगे कहा कि क्लॉज 69 में लव जिहाद का जिक्र किया गया है, आप इसको साबित ही नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको बताना होगा कि पहचान छिपाकर रिश्ता बनाया गया है, यानी कि अगर कोई महिला मोनू मानेसर या चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो चंडीगढ़ या मानेसर का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? अगर किसी का नाम मुस्लिमों के नामों की तरह कॉमन होगा तो क्या ये सेक्शन लागू होगा?